द क्वेश्चन इज इवेलुएट जीरो टू पाई एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई वन प्लस कोसक्वायर एक्स डी एक्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट आई इज इक्वल्स टू जीरो टू पाई एक्स साइन एक्स डिवाइडिड बाई वन प्लस को स्क्वायर एक्स डी एक्स ये सब ईजीली हो जाता अगर यहाँ पर एक्स नहीं होता देखो अगर आप कॉस एक्स को टी वुट करते तो डेरीवेटिव ऊपर हमारे पास साइन एक्स है सब्सिट्यूशन से इजीली हो जाता बट ये एक्स की वजह से ही अब हो नहीं सकता तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं इसमें कि इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो टू ए एफ़ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स ये प्रॉपर्टी हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है तो अब ये इसमें जब इसमें यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये ज़ीरो से पाई रहेगा एक्स को रिप्लेस करना है हमें पाई माइनस एक्स से ठीक है क्योंकि a माइनस एक्स है ना तो a हमारा पाई है पाई माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन पाई माइनस एक्स वन प्लस कॉ स्क्वायर पाई माइनस ओफ एक्स डी एक्स सो आई विल बी इक्वल टू ज़ीरो टू पाई पाई माइनस x एक्स देखो साइन पाई माइनस एक्स करेंगे तो ये साइन एक्स ही रहने वाला है और डिवाइड में भी हमारे पास सेम ही रहेगा चेंज नहीं होगा तो आ गई हमारी इक्वेशन टू जब हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली तो आपने नेक्स्ट क्या करना है इन दोनों इक्वेश को ऐड करना है ठीक है सो एडिंग वन एंड टू जब दोनों को ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करोगे तो टू आई आ जाएगा राइट हैंड साइड पे ऐड करोगे डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो जो न्यूमिनेटर है आप उसका एलसीएम लो बस तो एक्स साइन एक्स प्लस पाई माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स यहाँ से आप साइन एक्स कॉमन लेंगे तो आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा यानी कि यहाँ तो पाई साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक्स साइन एक्स एक्स साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास तो बचेगा पाई इन टू साइन एक्स सो वन प्लस कॉस स्क्वायेर एक्स डी एक्स तो अब देखो यहाँ पर क्या हो चुका है हमारा एक्स जो है वो एलिमिनेट हो चुका है कॉन्स्टेंट आ गया है पाई तो अब हम आगे सब्सिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर हम लेट करते हैं t cos x को तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस टू माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स अब सब्सिट्यूट किया है तो हमारी लिमिट्स भी चेंज होंगी क्योंकि ये जो लिमिट्स है वो एक्स की हैं फंक्शन टी में कन्वर्ट होने वाला है तो लिमिट्स भी टी की आएंगी सो वेन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो जब एक्स जीरो है आप टी की वैल्यू निकालो तो कॉस जीरो यहाँ जब हमने किया वहीं पुट करो तो कॉस जीरो कॉस ज़ीरो हो जाएगा वन तो टी की वैल्यू आएगी वन वेन एक्स इज इक्वल टू पाई जो पाई फुट करोगे तो कॉस पाई होता है माइनस वन राइट तो लिमिट हमारी अब वन से माइनस वन कन्वर्ट हो जाएगी सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या रहेगा आई इज इक्वल टू जो टू मल्टीप्लाई में था वो इधर डिवाइड में आ गया है लिमिट चेंज कर दो लिमिट हमारी हो गई वन टू माइनस वन जो फंक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगा देखो यहाँ पाई हमारे एज इट इज था जो साइन एक्स है साइन एक्स डी हमारा माइनस ऑफ डी में कन्वर्ट हो गया डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वायर नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमें माइनस फाइव बाई एज इट इज तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी यानी कि ये हमारे पास बचता है वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर डी तो इंटीग्रेशन होगी इसकी साइन uh, टेंजेंट टेंजेंट इन वर्स टी लिमिट फुट करनी है वन टू माइनस वन सो माइनस फाइव बाई टू टेंजेंट जेंट इन वर्स माइनस वन माइनस टेंजेंट इनवर्स वन अब टेंजेंट इन वर्स माइनस वन के इसके इक्वल होता है माइनस फाइव बाई फोर और ये हो गया फाइव बाई फोर सो माइनस फाइव बाई टू इंटू माइनस फाइव बाई टू फाइव बाई फोर प्लस फाइव बाई फोर टू फाइव बाई फोर दट इज फाइव बाई टू आ जाएगा आपके पास ये आ गया फाई स्क्वायर अपॉन फोर That is our answer. Thank you.